पहले जब रमजान महीने में सहाबा इकराम को कोई शख्स कुछ खाते हुए दिखता तो वो कहते थे कि शायद ये शख्स बीमार है या ये शख्स कई बाहर से आया है और ये मुसाफिर है। जब सहाबा को कोई लड़की या औरत बिना हिजाब या बिना निकाब के दिखती तो सहाबा इकराम ये बहाना करते थे कि शायद इसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है और इसे पता नहीं है कि इस्लाम के क्या रूल्स है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे शख्स को देख लेते कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो कहते कि ये शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जो चीज मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में फर्क डालती है वो नमाज है। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दिया वो शख्स कुफ्र में है। मेरे आका के आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। सबसे अफजल जिहाद नमाज है। तो मेरे दोस्तों, डरो उस दिन से जिस दिन हम अल्लाह के सामने पेश होंगे, और नमाज कायम करो ताकि कयामत के दिन हमें अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए।